हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आप अपना सभी जो भी वर्क मिल रहा है आपको सभी सब्जेक्ट्स का आप पूरी सिंसेरिटी के साथ कर रहे होगे एंड जो भी आपका रिटर्न वर्क है वो आपने अभी तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अभी हम आज अपना चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे क्लास 5 में। देखिए जो चैप्टर का नेम है, चैप्टर के नेम से ही स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले, वो है द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के बारे में, ठीक है। तो थिंग्स टू लर्न, हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? इंडियन गवर्नमेंट के बारे में और जुडिशरी के बारे में। और बिग आइडिया क्या है इस चैप्टर का? द इंडियन गवर्नमेंट परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस एट वेरियस लेवल्स। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या परफॉर्म करती है? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करती है और अलग अलग लेवल्स पे, मतलब अलग अलग लेवल पे वो अपने कार्य करते हैं, अपने काम करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेट्स गो में। इन 2007 द मोटर व्हीकल्स एक्ट ऑफ 1988 वाज पुट इनटू इफेक्ट। 2007 में जो मोटर व्हीकल एक्ट था 1988 का, वो इफेक्ट में आया। द एक्ट मेड इट कंपल्सरी फॉर पीपल ड्राइविंग टू व्हीलर्स टू वियर अ हेलमेट। अब इसमें एक्ट में क्या था, ये कंपल्सरी कर दिया गया था कि जो भी लोग ड्राइव कर रहे हैं दो पहिया वाहन को, उनको हेलमेट पहनना ही होगा, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। एनीबडी फाउंड राइडिंग अ टू व्हीलर विदाउट अ हेलमेट वुड बी पनिश बाय लॉ। अगर कोई भी पर्सन बिना हेलमेट के टू व्हीलर को, व्हीकल को चला रहा है तो उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। सो अभी इसमें दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज लॉ, आपके अकॉर्डिंग ये लॉ क्या है, एंड व्हाई डू यू थिंक वी नीड लॉज। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें लॉज की ज़रूरत है? लॉ का मतलब क्या है? कानून, नियम, ये सब। अब देखिए रोल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, कि जो भारत सरकार है उसकी क्या भूमिका है, क्या रोल है उसका। इन द प्रीवियस चैप्टर वी रीड हाउ अ गवर्नमेंट इज फॉर्म। हमने अपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, पढ़ा है ना। पीपल वोट फॉर द कैंडिडेट्स, जो लोग हैं वो वोट करते हैं, किसके लिए करते हैं? कैंडिडेट्स के लिए करते हैं, वोटिंग होती है। तो अब देखिए आफ्टर फाइनल काउंटिंग, अच्छा वोटिंग तो हो गई है लेकिन फाइनल, अब देखिए वोटिंग हो गई है, फाइनल काउंटिंग जो होगी उसमें क्या है? द पोलिटिकल पार्टी विच सिक्योर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। वोट लोगों ने दिए, वोटिंग हुई, लेकिन उसके बाद क्या है? फाइनल काउंटिंग होने के बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं वो क्या करते हैं? सरकार बनाती है ना। सो सिंस इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, हमें पता है कि भाई भारत बहुत बड़ा देश है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर वन गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल। अब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा अगर एक गवर्नमेंट, एक ही सरकार देखभाल करे लोगों की जरूरतों के बारे में। हैंस इन इंडिया द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इंटू 3 लेवल्स। तो भारत में जो सरकार है वो 3 लेवल्स पे डिवाइड है, ठीक है। तो अभी उनको पढ़ते हैं कि उनका जो लेवल है कौन से मतलब जो उनका कितने लेवल में जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सेंट्रल ये क्या है? सेंट्रल और स्टेट एंड लोकल, मतलब केंद्रीय और जो हमारी राज्य सरकार होती है, और जो लोकल जो हमारा स्थानीय जो प्रशासन होता है उसके बारे में। तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो है 3 लेवल्स पे, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। द पावर एंड फंक्शंस ऑफ दीज 3 लेवल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो पावर होती है और जो इनके काम होते हैं, इन तीनों लेवल का जो ये गवर्नमेंट बनी हुई है, इनका
अलग अलग होता है। लेट अस रीड अबाउट द थ्री लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो चलिए पढ़ते हैं अलग अलग जो ये तीन लेवल्स बना रखे हैं गवर्नमेंट के। सबसे पहले हम किसे पढ़ेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट में। द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ द होल कंट्री। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है? पूरी कंट्री के लिए क्या करती है? लुक आफ्टर करती है। जैसे ये वाले जो स्टेट्स हैं इनके लिए भी, ये वाले स्टेट्स हैं इनके लिए भी, ये वाले स्टेट्स हैं इनके लिए भी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरी कंट्री के लिए क्या करती है? लुक आफ्टर करती है। इट्स मेन ऑफिसेस आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इनका जो मेन ऑफिस होता है वो कहाँ है? नई दिल्ली में। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो रेफर टू एज द यूनियन गवर्नमेंट। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे क्या बोलते हैं? यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इट मेक्स लॉज एंड मेक श्योर दैट दीज लॉज आर पुट इन टू फोर्स। ये क्या करते हैं? लॉज बनाते हैं और ये मतलब लॉ मेक होने के बाद क्या करते हैं कि ये जो लॉज बने हैं ये पूरी की पूरी कंट्री में लागू हो जाए। द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट इज द पार्लियामेंट। जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसे क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट को हिंदी में बोलते हैं संसद। सो अभी हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं कि पार्लियामेंट में क्या होता है। ठीक है, द पार्लियामेंट हैज टू हाउसेज। जो पार्लियामेंट है हमारी उसके दो हाउसेज होते हैं। पार्लियामेंट के कितने हाउसेज होते हैं? टू हाउसेज होते हैं। दीज आर कॉल्ड द लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट है, ठीक है, ये है। जैसे आते ही जी मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ, आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। ये है पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसके दो हाउसेज हैं, एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। ठीक है, तो अब आपको ये पता लगा कि जो हमारी संसद है उसके दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव वन द इलेक्शंस फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बिकम मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। जो भी मेंबर इलेक्शन में जीत के आते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अपने अपने चुनाव क्षेत्र से, वो क्या बनते हैं? मेंबर्स बनते हैं पार्लियामेंट के। मतलब वो एमपी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद बनते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसको क्या बोलते हैं? लोअर हाउस, निचला सदन। द मेंबर्स ऑफ दिस हाउस आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो मेंबर्स होते हैं इस हाउस के वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा। जैसे लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो जो सांसद बनते हैं, एमपी बनते हैं, वो लोग ही डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं उनको। और द मेंबर्स मीट रेगुलरली टू मेक लॉज और अमेंड द एग्जिस्टिंग लॉज। जो मेंबर्स होते हैं उनकी मीटिंग होती है रेगुलरली और वो लॉज बनाते हैं और अमेंडमेंट करते हैं। मान लो किसी भी लॉ में कोई, मान लो पहले से कोई लॉ बना हुआ उसमें अमेंडमेंट करना, थोड़ा चेंज करना है, अगर मान लो उसमें कोई मिस्टेक है तो उसको इम्प्रूव करना है, उसे बोलते हैं अमेंडमेंट। तो ये तो है लोकसभा। अब देखिए राज्यसभा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसको क्या बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं पार्लियामेंट, ऊपरी सदन। अब द मेंबर्स ऑफ दिस हाउस आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो मेंबर्स होते हैं इस हाउस के वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं लोगों के द्वारा। सम आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड बाय सम आर नॉमिनेटेड। कुछ तो कैसे बनते हैं, उनको कौन इलेक्ट करता है? जो हमारे विधायक होते हैं, MLAs होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो चुनते हैं उनको। एंड कुछ जो MP होते हैं राज्यसभा के वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब नॉमिनेटेड कैसे होते हैं? नॉमिनेटेड उन्हीं लोगों को किया जाता है जो वेल नोन है अपने फील्ड में, जैसे आर्ट है, साइंस है, लिटरेचर है, या कोई सोशल सर्विस में कुछ अच्छा काम किया है, तो उन्हें क्या किया जाता है? नॉमिनेट किया जाता है, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा। तो अभी देखिए लोकसभा प्लस में राज्यसभा इज इक्वल टू पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा मिलके क्या बना रहे हैं? पार्लियामेंट।
अब देखिए प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बारे में क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ आर कंट्री, जो राष्ट्रपति होता है वो हेड होता है, मुखिया होता है हमारी कंट्री का, ही और शी इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, और वो कैसे इलेक्टेड होता है, कैसे चुना जाता है, इनडायरेक्टली, कौन चुनता है, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के जो सदस्य हैं वो, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब तीनों, लोकसभा के जो मेंबर हैं वो, राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है हर स्टेट में होती है जैसे, उनके जो मेंबर होते हैं वो मिलके इनडायरेक्टली किसका मतलब किसको इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को, हमारे राष्ट्रपति को। ये देखिए पिक्चर दिखाई गई है श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी की, और ये अभी तो इनका जो टेन्योर था वो हो चुका है, ये फर्स्ट वुमेन थी टू बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो अपॉइंटेड हुई थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन। अब क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए फर्स्ट वुमेन कौन है भारत की जो प्रेसिडेंट बनी है, बनी थी, ठीक है, तो वो है श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। अभी सम ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म बाय द प्रेसिडेंट आर एज फॉलोज, कुछ फंक्शंस बता रखे हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है, ही और शी अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अभी हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको अपॉइंट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को करते हैं, एंड सम अदर इम्पोर्टेंट ऑफिसर, जो भी इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ये अपॉइंट करते हैं, ही और शी इज सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज इन इंडिया, सुप्रीम कमांडर होते हैं जो ये हमारे डिफेंस फोर्सेज होते हैं, सुरक्षा बल होते हैं उनके। इट इज़ ओनली आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ द प्रेजिडेंट दैट अ लॉ कैन बी फाइनलाइज, सिर्फ प्रेजिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही कोई भी लॉ फाइनल होता है और बनता है, ठीक है, और हमारे जो प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट हैं वो हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद, ठीक है, ये सब बेसिक सी बातें होती हैं, आपको आनी चाहिए कि हमारे प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। अच्छा, प्रेजिडेंट के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का मतलब प्रधान मंत्री, ठीक है, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विच हैज सिक्योर्ड द मैक्सिमम वोट्स एज द प्राइम मिनिस्टर। देखिए हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं कि जो प्रधानमंत्री है उनका कैसे अपॉइंटमेंट होता है, कौन उनको अपॉइंट करता है, और इसके साथ साथ बनता कौन है प्रधानमंत्री, ठीक है, तो देखिए अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी मैक्सिमम वोट लेके आई है और जो उनका लीडर होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, और उसको अपॉइंट कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट। द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल पर्सन इन दिस सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पीएम होता है ना, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण और पावरफुल पर्सन होता है, कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में, इन अदर वर्ड्स ही इज़ द रियल हेड ऑफ द कंट्री, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वास्तविक जो हेड होता है, मुखिया होता है हमारी कंट्री का, प्रधानमंत्री ही होता है। सम फंक्शंस परफॉर्म बाय द प्राइम मिनिस्टर्स आर एज फॉलोज, ही और शी चूजेस द मिनिस्टर्स हु विल हेल्प इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, अब वो क्या करते हैं, दूसरे मिनिस्टर्स को चूज करते हैं जो उनको कंट्री में गवर्न करने में हेल्प करें, जैसे आप सुनते हो ना कि ये तो हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये HRD मिनिस्टर हैं, तो इसी तरह से जो प्राइम मिनिस्टर है ऐसा तो है नहीं कि वही पूरी कंट्री को देखेंगे, तो हर मिनिस्टर को एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है और वही उसकी लुक आफ्टर करते हैं, देखभाल करते हैं। देर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज हेल्थ, डिफेंस एंड रेलवेज, द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स हु विल हेड दिस डिपार्टमेंट्स, और जो प्राइम मिनिस्टर है वही डिसाइड करते हैं कि कौन इन डिपार्टमेंट को हेड करेंगे, मतलब कौन इनको देखेंगे, कौन इनकी देखभाल करेंगे और कौन इनका हेड बनेगा हर गवर्नमेंट, हर डिपार्टमेंट का। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट,
उससे पहले आप एक बार डिडियो नो देखिए, इन द USA द प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द गवर्नमेंट. USA, यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, यूनाइटेड स्टेट्स इन अमेरिका में देखिए, द प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है वो मोस्ट पावरफुल पर्सन होता है गवर्नमेंट में. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट देखिए, अब जो राज्य सरकार होती है, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज समवर सिमिलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी सेम ही होता है हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जैसे. एवरी स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज एंड इंश्योरिंग दैट दीज लॉज आर पुट इन टू फोर्स. हर स्टेट लॉ बनाता है और ये कोशिश रहती है कि उनकी वो जो लॉ बना है उसको लागू करे. ठीक है, द स्टेट्स हैव ए लोअर हाउस कॉल्ड द विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली. और जो जैसे हमने सेंटर में पढ़ा था पार्लियामेंट का लोअर हाउस अपर हाउस होता है, वैसे ही यहाँ पे भी लोअर हाउस होता है जिसको बोलते हैं विधानसभा और इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली. सम स्टेट्स हैव एन अपर हाउस कॉल्ड द विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल. कुछ स्टेट्स में ये अपर हाउस होता है, सम स्टेट्स हैव एन अपर हाउस जिसको क्या बोलते हैं विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल. अभी देखिए गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर. गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर में देखिए आप एक बार, हाँ जी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री. द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो गवर्नर होता है किसी भी स्टेट का वो उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर. द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट बट द रियल पावर लाइज विथ द चीफ मिनिस्टर. तो इसमें वही है कि जो इसमें गवर्नर है, हेड होता है स्टेट का, लेकिन जो रियल पावर लाई करती है वो कहाँ होती है? चीफ मिनिस्टर के पास. द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. जो गवर्नर होता है वो अपॉइंट करता है किसको? लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. की जो भी मेजोरिटी में, जैसे जो भी पार्टी जीत के आएगी और जो उनका लीडर होगा उसे क्या बना दिया जाता है? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर. और बनाता कौन है? गवर्नर. गवर्नर अपॉइंटमेंट करते हैं उनके. ठीक है, द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. द चीफ मिनिस्टर अपॉइंट्स मिनिस्टर्स टू हेल्प हिम और हर इन द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट. अब जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या करते हैं? वो अपॉइंट करते हैं किसको? मिनिस्टर्स को, जो उनकी इसमें हेल्प करते हैं गवर्नेंस ऑफ द स्टेट, स्टेट की जो सरकार है उसको चलाने में. अब देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, जो स्थानीय सरकार होती है उसके बारे में. द लोकल गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय द पीपल लिविंग इन विलेजेस. जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो कौन बनाते हैं? जो भी लोग विलेजेस में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं. इट लुक्स आफ्टर द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल. और जो ये लोग बनते हैं, हमारे जो लीडर बनते हैं लोकल गवर्नमेंट में, वो क्या करते हैं? लुक आफ्टर करते हैं बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल. जो लोगों की मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि पानी है, क्लीनलीनेस है, साफ़ सफाई है, मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स, रोड्स, जो पार्क्स होते हैं, रोड्स होते हैं, उन सबकी रख रखाव. एंड एट द विलेज लेवल द ग्राम पंचायत टेक्स द इम्पोर्टेंट डिसीजंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. अब आपने सुना होगा ना, गाँव में जैसे कई गाँवों में मिलके एक ग्राम पंचायत होती है, या हर गाँव की अपनी एक ग्राम पंचायत होती है, वो क्या करती है? इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेती हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए. द पंचायत इज हेडेड बाय द सरपंच. और जो हेड कौन होता है पंचायत का? सरपंच. ठीक है, पंचायत में जो हेड होता है वो होता है सरपंच. देखिए, इन टाउन्स एंड सिटीज द लोकल गवर्निंग बॉडीज आर कॉल्ड म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस. जो टाउन्स हैं, सिटीज हैं, वहाँ की जो लोकल गवर्निंग बॉडीज होती हैं वो होती हैं म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, MC. बिग सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई हैव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस. इन सब में क्या है? ये है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, नगर निगम जिसे बोलते हैं. स्मॉल टाउन सच एज ओरछा एंड बुडवन हैव म्यूनिसिपैलिटीज, मतलब नगर पालिका. जैसे हमारी जो चरखी दादरी है उसमें भी क्या है? नगर पालिका है ना.
द म्यूनसिपैलिटीज एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कीपर रिकॉर्ड ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, ये क्या करते हैं, किसका रिकॉर्ड रखते हैं, जन्म का और मृत्यु का। दे ऑल्सो मेंटेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी देखते हैं, प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पानी जो पीने का पानी होता है वो साफ सुथरा मिले लोगों को, ये सब देखते हैं, और भी बहुत सारे काम देखते हैं। जैसे द हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज द मेयर वाइल द म्यूनसिपलिटीज आर हेडेड बाय अ चेयरपर्सन। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं उनका जो हेड होता है वो होता है मेयर, और जो म्यूनसिपलिटीज होती है उनका हेड कौन होता है, चेयरपर्सन। जैसे हमारे चरखी दादरी के जो चेयरमैन हैं वो हैं मिस्टर संजय छपारिया जी, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ऐसे ही आप अपने गांव के सरपंच का नाम आपको पता होना चाहिए, जो तहसीलदार होते हैं, मतलब आपको इन सब के नेम पता होने चाहिए कि हमारे जो दादरी से या जो भी आपकी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हो आपको वहाँ के जो MLA हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमारे चरखी दादरी से मिस्टर सोमवीर सांगवान जी हैं, अगर कोई बच्चा अलग जगह से है जैसे बाड़ड़ा से है तो वहाँ से नैना चौटाला जी हैं। तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन MLA है, कौन MP है, हमारा सरपंच कौन है, तहसीलदार कौन है, चेयरपर्सन कौन है, ठीक है। रोल ऑफ दी जुडिशरी, अब देखिए जुडिशरी का क्या रोल है। द जुडिशरी इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दी गवर्नमेंट। जो न्यायपालिका होती है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट का। कैसे, द मेन रोल ऑफ द जुडिशरी इज टू मेक श्योर दैट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट आर पुट इनटू फोर्स। अब जुडिशरी यही देखती है कि जो लॉज बने हैं वो फोर्स में, मतलब वो लागू हों अच्छी तरीके से। इफ़ एनी पर्सन और एनी ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक्स द लॉ, अगर कोई भी आदमी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉ को ब्रेक करता है, कानून को, नियमों को तोड़ता है, देन दे आर पनिश बाय कोर्ट्स, तो उनको पनिश किया जाएगा कोर्ट्स के द्वारा। द जुडिशरी ऑल्सो सोल्स डिस्प्यूट्स, जो जुडिशरी होती है वो जो भी विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं लोगों के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट्स के बीच में, अदर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, उनको क्या करती है, सोल्व करती है। इन इंडिया वी हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और हमारे इंडिया में जो जुडिशरी है वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है। दिस मीन्स दैट द प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट कैन नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजन टेकन बाय द कोर्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट हैं या जो भी राष्ट्रपति हैं, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं जो भी डिसीजन कोर्ट लेती है उसको। लाइक द गवर्नमेंट, द जुडिशरी ऑल्सो हैज़ डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स। जैसे हमारी गवर्नमेंट है उसके 3 लेवल्स से, स्टेट, सेंट्रल एंड लोकल, वैसे ही जो हमारी जुडिशरी है उसके भी 3 लेवल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कि हाईएस्ट कोर्ट होता है हमारी कंट्री में, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ इन अ कंट्री, हाई कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट एट द स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये है स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। द सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजेज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नंबर ऑफ जजेस। जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें क्या क्या होते हैं, चीफ जस्टिस होता है एक, और भी जजेस होते हैं। हाउएवर इट शुड नॉट हैव मोर देन 25 जजेस। जो लेकिन जजेस हैं उनका जो संख्या है वो 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द कोर्ट गिव्स द फाइनल जजमेंट, और जो कोर्ट होता है वही फाइनल जजमेंट होती है, ठीक है। जजमेंट क्या होता है, डिसीजन टेकन बाय द कोर्ट आफ्टर केयरफुली कंसीडरिंग और एग्जामिनिंग द एविडेंस। किसी भी सबूत को या किसी भी एविडेंस को देख के जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है बहुत ही केयरफुली, ध्यान से देख के किसी भी सबूत को, उसको क्या बोलते हैं, जजमेंट, ठीक है। डिसीजन होता है ये जो कौन लेता है, कोर्ट। इन एनी केस एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ हाई कोर्ट। हर स्टेट में इंडिया में क्या है, एक हाई कोर्ट है। हाउएवर इट इज़ पॉसिबल दैट द टू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैव द सेम हाई कोर्ट। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि दो स्टेट हैं या कोई यूनियन टेरिटरी है उनका सेम हाई कोर्ट है। जैसे हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, कहाँ है, चंडीगढ़ में। ये बेसिक थिंग्स होती हैं, आपको अच्छे से लर्न रखनी है, समझनी है, ठीक है। तो इसमें यही बता रखा है, एंड इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल द कलकत्ता हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ इन वेस्ट बंगाल, जो कि एक स्टेट है, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी। तो इनका भी बता रखा है
ये हाईएस्ट कोर्ट है एंड एवरी हाई कोर्ट हैज़ अ चीफ जस्टिस एंड अ नंबर ऑफ अदर जजेस. हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और भी वो सारे जजेस होते हैं. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे. एंड आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, और अगर फिर भी कोई डाउट आए तो आप मुझसे कॉल करके या व्हाट्सएप से